सीकर की लक्ष्मणगढ़ पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए हरियाणा निर्मित शराब की 540 बोतलें जब्त की हैं और साथ ही एक वाहन सहित दो आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि कांस्टेबल विक्रम सिंह की सूचना पर नेशनल हाईवे पर नाकाबंदी की गई और इस दौरान एक कार को रोका गया और इसकी तलाशी लेने पर अवैध शराब पाई गई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए हरियाणा निर्मित 540 बोतल शराब और कार को जब्त कर लिया है और कार सवार दोनों आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। आरोपी मुकंदगढ़ निवासी अंकित कुमार और बिड़ोदी निवासी मनीष कुमार को गिरफ्तार किया गया है और फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज करके पूरी जांच पड़ताल शुरू कर दी है। फिर खास की इतला मिली कि एक डस्टर गाड़ी में हरियाणा निर्मित शराब है, वो गुजरात जा रही है। इस पर पुलिस पार्टी ने नाकाबंदी की, दौरान नाकाबंदी डस्टर गाड़ी को रुकवाया, रुकवा के चेक किया गया। चेक करने के बाद हरियाणा निर्मित शराब पाई गई, उसमें दो व्यक्ति सवार थे जिसको गाड़ी को। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।